हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। नमस्कार, मैं बबीता आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बबीताज किचन में। फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ कई रेसिपी शेयर की, आज मैं एक और रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको प्लीज़ अच्छी लगे तो उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। ये रेसिपी है वेज मंचूरियन। जी, इसके बनाने ये बहुत ही सिंपल पर एक ट्रिक के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। इसके लिए हमें कुछ इन्ग्रीडियंट्स चाहिए, जो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ मैं वेज बना रही थी, उसमें वेजिटेबल्स डालूंगी। इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी पत्ता गोभी, कैबेज। इसको मैंने ग्राइंडर से, जो ग्राइंडर होता है ना, उसकी मोटी साइड से, इस साइड से देखिए, इस मोटी साइड से, सबसे मोटे साइड से इसको कद्दूकस कर लिया है। और 1 कटोरी लिया मैंने फूल गोभी, एक पत्ता गोभी और एक फूल गोभी, 1 1 कटोरी इक्वल लेनी है। आप जितने उससे मेजरमेंट करते हैं उसी से। और 1 कटोरी ही हमें आलू चाहिए। आलू को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है सब अच्छे का, ये देखिए। अब और चाहिए हमें ये हरी प्याज है, ये जो उसको हमने आगे से काटा है और ये पीछे से थोड़े थोड़े ही लिए हैं बस ये। और एक शिमला मिर्ची, एक छोटी कटोरी शिमला मिर्ची ली है मैंने। इसको ऐसे लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। और ये थोड़ी सी पत्ता गोभी मैंने ऐसे लंबे लंबे छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लिया है। और एक प्याज लिया है, एक मैंने इसको काट के प्याज को कैसे वो निकाल लिए, इसके क्या कहते हैं, इसको स्लाइसेस से बना लिया। देखिए ऐसे ये प्याज मैंने काटा, उसको ऐसे ऐसे निकाल लिया है, ये देखिए ऐसे। बहुत ही सिंपल है, आराम से निकल जाती हैं। प्याज को आप काट के रख दीजिए, 2 मिनट पानी में डाल के तुरंत निकल जाती हैं। आप ऐसे भी निकालना चाहें निकाल सकते। और एक शिमला मिर्ची मैंने ऐसे काट लिया है छोटे छोटे, उसमें एक शिमला मिर्ची। और ये है थोड़ी सी मैदा, जी 1 कटोरी मैदा लिया है, थोड़ा नमक और स्वाद अनुसार हमें लाल चिली पाउडर। और कुछ नहीं चाहिए इसमें, थोड़ी सॉसेज चाहिए, वो मैं आपको बाद में आके बता दूंगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बाउल लेना है। एक बाउल में हमें ये अपना जितना बनाना है, 1 कटोरी का मुताबिक मैं इसमें डाल दूंगी। पत्ता फूल गोभी डाल दी मैंने, ये फूल गोभी है और ये पत्ता गोभी, इसको भी डाल दूंगी। फ्रेंड्स, मेरा ये बाउल छोटा रह गया है तो मैं इसमें इसकी क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा कम कर रही हूँ। देखिए, मैंने हाफ हाफ कटोरी ले ली, छोटी वाली एक कटोरी ले ली है। अब मैं उसको बताती हूँ आपको, पर जितना लेना है हमें तीनों चीज़ बराबर लेनी है, पत्ता गोभी, फूल गोभी और आलू। उसमें फिर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया स्वाद अनुसार और थोड़ा सा लाल चिली पाउडर डाल दिया है। अब उसको हम क्या करेंगे, अभी मैंने इसको उसको अच्छे से मिक्स करके मैं अच्छी तरह इसमें नमक और मिर्ची मिला देंगे। मैंने इसको छोटी वाली 1 कटोरी ले लिया, वो पहले बड़ा कटोरा था, अब उसका आधा आधा करके ले लिया। आप मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा, जितना आपके पास पत्ता गोभी उतना ही फूल गोभी और उतना ही आलू, तीनों चीज़ें इक्वल लेनी है। किसी से भी आप मेजरमेंट कर लीजिए जितना आपको बनाना है। उसमें अपने स्वाद अनुसार थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी नमक डाल के अच्छे से मिला के इसे हमें ढक के रख देना है। इसे हम 5-7 मिनट ढक के रख देंगे। इतने हमारा ये ढक के रख रहे हैं हम, इतने हम इसको सॉस की तैयारी कर लेते हैं, जो उसकी ग्रेवी सी होती है ना उसकी। उसके लिए क्या करना है, हमें एक कढ़ाई लेनी है, थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई लेनी है मैंने। इस कढ़ाई में मैं हाई फ्लेम पे करके इसमें एक ऑयल डाल दूंगी थोड़ा सा, ये देखिए ये थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है, 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला है। ये ऑयल मेरा अब गर्म हो चुका है, अब थोड़ा सा इसे अच्छी तरह गर्म करना है ऑयल को हमें। ऑयल मेरा गर्म है, अब मैं इसमें जो मैंने प्याज मैंने ऐसे करी थी ना, इसकी निकाली थी इसकी परतें, वो मैं इसमें ऑयल में, इसी ऑयल में, थोड़ा सा ऑयल में ही इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसे डाल दिया, अब मैं इसको अच्छी तरह थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा कैमरे में इश्यू था, मेरा बेटा शूट कर रहा था तो थोड़ा सा सही से नहीं बैठ पा रहा था उससे, इसलिए यार थोड़ी सी इसमें डिस्टर्बेंस आ रही है। पर प्लीज़ इसे थोड़ा सा इग्नोर करके मेरी वीडियो की रेसिपी ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। ये देखिए हम इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट, 1 मिनट के लिए ही पकाएंगे, जो हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ इसका हल्का सा कच्चापन निकालना है, क्योंकि हमें ऊपर से डालना है बाद में, तो इसलिए कच्चापन ना रहे। थोड़ा सा इसको हम प्याज को ऊपर से डेकोरेट करने के लिए ही ले रहे हैं बस। ये देखिए ये प्याज को मैंने सारा प्याज इसमें निकाल लिया।
एक्चुअली फ्रेंड मैं अभी नया नया यूट्यूब चैनल खोला है, तो मेरे पास अभी पूरे गैजेट भी नहीं है, मैं धीरे धीरे सब ले लूँगी, पर इसमें थोड़ी सी इसलिए डिस्टर्बेंस आती है बीच में। और ये प्याज, ये सॉरी ये शिमला मिर्ची, ये भी मैं डाल के इसको भी हल्का हल्का सा मैं रोस्ट करना है इसको भी। प्लीज़ फ्रेंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को आपकी बहुत ज़रूरत है। आप मेरे को, आप चाहे तो मेरी रेसिपी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को आगे ग्रो कराने में मेरी हेल्प कीजिए। देखिए बस इसे हम 2 मिनट और चलाएंगे, बस ऐसा करके हम इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स मेरी बस एक ही मोटिवेशन है कि मैं आपको अपनी अच्छी अच्छी रेसिपी आपके शेयर करूं, जिसमें कम झंझट हो पर टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा लगे। बच्चों को खाने का मन है तो बाहर से हम ना अवॉइड करें खिलाना, घर में ही हेल्दी टेस्टी सा बना के खिलाएं, वो भी कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो इसीलिए सर प्लीज़ मेरे लिए रेसिपी अच्छी तरह देखिए, अगर कुछ आपको इसमें ख़राब लगता है तो मुझे बताइए। अब हमने इसमें जो प्याज काटी थी, हमने वाइट प्याज वो डाल दिया है, जो ग्रीन लीफ वाली प्याज होती है उसके पीछे से पत्तियां काट दी हमने, सिर्फ आगे आगे का वाइट प्याज उसके पीछे जो थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन सा रहता है वही लिया है। ये देखिए इसको अभी हम 2 मिनट के लिए सोटी करेंगे। इसमें हमें कुछ भी सब्जी इसमें ज़्यादा एकदम गोल्डन ब्राउन वगैरह नहीं करनी, क्योंकि हमेशा आपको पता होगा चाइनीज में थोड़ा सा वेजिटेबल जो होती है कम कुक होती है, हाफ कुक ही होती है, प्रॉपर कुक नहीं होती, वैसे ही हमें रखना है। ये देखिए, और यहाँ फ्रेंड्स आप इसमें थोड़े से हरी मिर्ची भी काट के डाल सकते हैं अगर आप खाते हैं तो, पर मैं शिमला मिर्ची डाल रही हूँ इसलिए मैं हरी मिर्ची अवॉइड कर रही हूँ, अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आपको। ये देखिए जो मैंने छोटे छोटे क्यूब्स लंबे लंबे स्लाइसेस में काटी थी ना प्याज हरी मिर्ची वो सॉरी शिमला मिर्ची वो, और जो मैंने पत्ता गोभी काटी थी वो दोनों चीज़ें मैं इसमें डाल के इसको 2 मिनट और इसको भी चलाऊँगी अच्छी तरह। हम इसको भून लेंगे। तो ये मैंने देखिए सारा डालना था, डाल दी इसमें 1 कटोरी पत्ता गोभी वाली भी। ये इससे फ्रेंड्स इससे जो उसकी ग्रेवी आएगी ना वो बहुत ही टेस्टी बनेगी, अंदर से जो क्रीमी क्रीमी हम ग्रेवी के साथ जो वेजिटेबल्स मुंह में जाए तो वो भी अच्छी लगती है। ये देखिए ये हमारी हो गई जैसे हमें चाहिए थे। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, क्योंकि ये ग्रेवी में जाएगी, अंदर की जो उसकी सॉस होती है उसमें जाएगी, और 1/2 टेबल स्पून इसमें हम नमक डालेंगे, नमक क्योंकि हमने उसमें भी डाला है जो हम इसके बॉल्स बनाएंगे मंचूरियन बॉल्स, ये हमें अंदर की ग्रेवी के लिए इसमें हम थोड़ा ही डालेंगे। अगर आप ज़्यादा खाते हैं आपको थोड़ा और स्पाइसी चाहिए तो थोड़ा सा आप क्वान्टिटीज़ में मिर्ची मसाले की बढ़ा सकते हैं, सिर्फ इसमें नमक और लाल मिर्ची ही जाती हैं। अब वैसे मैं आपको एक सजेशन दूंगी, आप नमक मिर्च लाल मिर्ची इसमें ज़्यादा खाना अवॉइड करके इसमें जो सॉस डालते हैं वो ज़्यादा डाल सकते हैं, उससे और भी टेस्ट आता है। अब मैं यहाँ डालूंगी इसमें सॉसेस, उसके लिए सबसे पहले मैंने ये सोया सॉस ली है, 2 टेबल स्पून सोया सॉस डालूंगी। अगर आपको कलर ज़्यादा अच्छा चाहिए तो आप इसमें 3 टेबल स्पून डाल सकते हैं सोया सॉस, मैं 2 टेबल स्पून। और देखिए जब भी मैंने आपको पहले भी अपनी चाउमिन रेसिपी में बताया था, जब भी आप सॉसेस में डालते हैं तो उसमें एकदम फ्लेम को लो करना है। ये देखिए, और 1 चम्मच विनीगर डालेंगे इसमें, मैं टमाटर वगैरह कुछ नहीं डाला, विनीगर वगैरह डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें ग्रीन चिली सॉस डाली है, ये टॉप्स की मैं यूज़ करती हूँ। देखिए टॉप्स की क्वालिटी मुझे अभी तक सबसे अच्छी लगती है, और रीजनेबल प्राइस भी इसके रीजनेबल होते हैं इसलिए मैं टॉप्स की लाती हूँ। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी रेड चिली सॉस, ये भी टॉप्स की, मेरे सारे जितनी भी सॉसेस में हैं सब टॉप्स की होती हैं, मुझे इसका टेस्ट भी और इसकी क्वालिटी भी दोनों अच्छी लगती है विथ प्राइस के अकॉर्डिंग एकदम रीजनेबल रेट होते हैं इसके, और कंपनीज के थोड़ी हाई होती है। और 1 चम्मच ही मैं इसमें टमाटो केचप डालूंगी। सारी सॉस मैंने 1-1 चम्मच ही ली है, बस सोया सॉस 2 चम्मच ली थी कलर की वजह से, आपको थोड़ा और डार्क कलर करना तो उसमें 3 चम्मच डाल सकते हैं सोया सॉस। और देखिए फ्रेंड्स हमें हमेशा गैस की फ्लेम हमेशा लो ही रखनी है। अब हम इसमें क्या करेंगे ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, जो मंचूरियन की थोड़ी सी ग्रेवी होती है ना थोड़ी थिकनेस आती है ग्रेवी, वो इसकी वजह से आती है। क्या है मैदा, हम इसमें 2 चम्मच मैदा ले लेंगे और इसको पानी डाल के हल्का हल्का घोल, पानी से घोल एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे हम इसका, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। ये देखिए बिल्कुल एकदम स्मूथ सा पेस्ट,
लम्स का ध्यान रखिए, लम्स ना आए, लम्स अगर पड़ेंगे तो उस पर जाके उसमें गुठलियाँ बन जाएगी, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल इसका लम्स नहीं आना चाहिए, एकदम स्मूथ। ये देखिए अब हम इसको इसमें डाल देंगे। इसका डालने से जो मंचूरियन की जो ग्रेवी होती है थोड़ी अच्छी से थिकनेस सी आती है उसमें। इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे हम। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर वो पानी ले सकते हैं जो हमने जब इसको हमने अपनी सब्जियों को जब मैं ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी हम ये डाल देंगे। बस इसकी हमें फ्लेम का लो ही रखना है। इसमें मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाला क्योंकि थोड़ा सा पकेगा इतने, और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें ढक के 2-3 मिनट ऐसे पकाना, 5 मिनट 2-3 मिनट ऐसे पकाना है। इसको हम ढक के रख देंगे इतने। चलिए हम ये बॉल्स दिए देख लेते हैं। ये हमारी वेजिटेबल्स हैं, इसमें हमने नमक डाला था, इसका पानी रिलीज हो रहा है, हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हाथों की सहायता से अच्छे से दबा के या किसी कॉटन के कपड़े से, जैसे कोफ्ते बनाते हैं ना, मैंने कोफ्तों में सिखाया था आपको फ्रेंड्स अपनी रेसिपी में, अगर नहीं देखा तो मैं वो वाला आप चेक कर सकते हैं मेरी कोफ्ते की रेसिपी, उसके हिसाब से समझ कॉटन के कपड़े से कर सकते हैं। हाथ से अच्छी तरह से दबा दबा के इसका पानी आराम से निकल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे यहाँ हमने इसका पानी सारा निकाल देना है। ये पानी से अगर करते हैं तो बॉल्स अच्छी तरह नहीं बनेगी, वो थोड़ा सा वो इसकी थिकनेस ठीक नहीं रहती है, कितना भी फिर हमें ज़्यादा इसमें मैदा डालनी पड़ती है, फिर वो टेस्ट हमारा ठीक नहीं आएगा इसलिए। और ये पानी हमने फेंकना नहीं, इस पानी को हम इसमें मंचूरियन की जो हम ग्रेवी बना रहे हैं उसमें काम लेंगे। ये देखिए अब हमें क्या करना है, हमने ये देखिए ले लिया ना, अब हमने इसको सारा हम इसको खोल देंगे ऐसे अच्छी तरह, हमने इसको रख दिया। पर हाँ फ्रेंड्स एक बार अपने सॉस पे भी जरूर ध्यान दीजिएगा इसको बनाने से पहले। देखिए हमारी सॉस में देख लिया, यहाँ मैंने उसका वो पानी जो था वो डाल दिया है। ये देखिए जो मेरा ग्रेवी बचा था ना हमारा, इसका जो वेजिटेबल्स हमने इसमें रिलीज किया पानी, वो मैंने इसमें डाल दिया है। डाल के 2 मिनट पक गया है, इसको हम ढक के रख देंगे। और अब हम ये देखिए इसमें मैंने 3 चम्मच मैदा डाल लिया है। अगर आपको थोड़ा सा पतला लगता है तो आप इसमें 1 चम्मच मैदा और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए उसको अच्छी तरह मिला के अच्छी तरह से इसको मैश करना है मैदा के साथ, और ताकि हमारी बॉल्स ईजिली बन जाएँ ऐसा इसको हमें अच्छी तरह मिला के इसका डो तक तैयार करना है, जिससे हम ईजिली इसकी गोल 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 बॉल्स बना सकें। ये देखिए इसमें ऐसे आप अगर हाथ से करते हैं ना तो इक्वली सारी जगह जो इसका मैदा है वो मिक्स हो जाएगा। उस अब देखिए मैंने इस पर कोई नमक मिर्ची नहीं डाला क्योंकि मैंने पहले ही डाला था इसलिए, क्योंकि हमने सॉस में भी डाला है। अगर यहाँ इस पोजिशन पर आपको लगता है, आप थोड़ा सा टेस्ट इसको चख के देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा नमक कम है आपके अकॉर्डिंग, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो उसमें थोड़ा और डाल लीजिएगा, पर हम बहुत ही कम नमक खाते हैं नमक मिर्ची, तो मैं इसलिए इसमें और ऐड नहीं कर रही। ये देखिए एकदम परफेक्ट हो गया, देखिए ऐसे ही चाहिए था हमें, देखिए बिल्कुल परफेक्ट है ये हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको पकाने के लिए एक पैन ले लिया मैंने, पैन में ऑयल डाल दिया है और इसको ऑयल को गैस पे हाई फ्लेम पे रख के गर्म होने रख रही हूँ। इतना मेरा ऑयल गर्म होगा इतने मैं इसके छोटी छोटी बॉल्स बना लूँगी। ये देखिए ऐसे दबा के हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए बस इसी तरह से हमें गोल गोल इसकी बॉल्स बनानी है। ये देखिए ये मेरी बॉल्स बन गई सारी, शेप थोड़ी सी गोल या वैसे आप कर सकते हैं, बस बन गई मेरी। अब मैं इसे ऑयल मेरा गर्म हो गया, इसमें मैं ये सारी बॉल्स डाल दूंगी, इसे डीप फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स सारी बॉल्स डाल दी, अब बॉल्स डाल के से हमें स्लो पे, पहले गैस हमने हाई फ्लेम करा हुआ था, फिर जैसे बॉल्स डालते हैं हम गैस को मैंने स्लो कर रखा था, अब मैंने इसको फिर से हाई फ्लेम कर दिया है और इसको पलटते हुए मैं इसको सेक रही हूँ। ये मेरे हल्के हल्के हो गए हैं, इसे पलटते रहना हमने सेकना है। ये देखिए ये देखिए हमारे हो गए, अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए बिल्कुल हो गए परफेक्ट जैसे मुझे चाहिए,
अगर ज़्यादा करेंगे तो कच्चापन आएगा, बस इसे निकाल लेंगे। मजा आया। बस देखिए बिल्कुल ऐसा ही चाहिए हमें। ये मेरे सारे बॉल्स बन गए, मैंने निकाल लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, हमें इसको कर देना साइड में। हमारा बॉल्स फ्राई हो गया है, अब हमें अपनी सॉस का पर देखना है। ये देखिए ये सॉस को मैंने देखा, अब मैं इसको सॉस को फिर से गैस पे रख दिया और फ्लेम को हाई कर दिया है। इसको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे हम, थोड़े टाइम के लिए बस। देखिए यहाँ मेरी हाई फ्लेम है, इसलिए सिर्फ वैसे क्योंकि हमारी सॉस बनी हुई है, हाई फ्लेम पे पकाएंगे। A few moments later. अब हमारी सॉस पक चुकी है, अब इसमें ये अपने मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे। और देखिए फ्रेंड्स आराम से इसमें थोड़े थोड़े करके डालिए, क्योंकि बड़े सॉफ्ट होते हैं ये टूट जाते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे अच्छी सा सॉस बनाने के बाद ही इसको डालेंगे। देखिए फ्रेंड बस बन गई मेरी मंचूरियन बॉल्स, मैंने सर्व कर लिया। मैं ऐसे आज फ्राई राइस के साथ खाऊंगी। ये देखिए मैंने ये फ्राई राइस भी बनाया है। सॉरी वीडियो बहुत लंबी हो गई थी इसलिए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट्स कीजिए, मैं आपको ज़रूर इसकी रेसिपी बताऊँगी। सिंपल है बिल्कुल, फ्राई राइस आप उसको फ्राई राइस के साथ या चाउमीन के साथ या नूडल्स के साथ जिसके साथ आपके मन को उसको खा सकते हैं। ये देखिए मंचूरियन बॉल्स बिल्कुल एकदम परफेक्ट इसकी थिकनेस है, जैसी हमें चाहिए। आपको अगर से थोड़ी और चाहिए तो और इसको पका सकते हैं इसकी। ये देखिए मेरी राइस भाई, मेरी बॉल कितनी सॉफ्ट बनी है, एकदम परफेक्ट। फ्रेंड्स अगर आपको मैंने आपको नूडल्स की भी रेसिपी शेयर की थी, वैसे वो नूडल्स भी बना के साथ खा सकते हैं। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, बताइए, खाइए और इसको मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो प्लीज़, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा मोटिवेशन आपके साथ रेसिपी शेयर करने का यही है कि मैं आपके साथ नई नई अच्छी अच्छी रेसिपी और इजी वे में बनाना सिखाऊं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉच, मिलते हैं फिर।